नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज के हम लोग वीडियो में बात करेंगे एरिया 51 के बारे में कि आखिर एरिया 51 क्या है, ये कहाँ पर है और इसके बारे में क्या क्या मिथ्स हैं और क्या सच्चाई है। मैं इस वीडियो पर काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहा हूँ और मैं काफ़ी टाइम से इस विषय पर वीडियो बनाना चाह रहा था। दरअसल कुछ दिनों पहले मैंने एरिया 51 के बारे में कहीं पर पढ़ा, उसके बारे में मैंने जितना पढ़ा वो सारा मैं बताने की आपको इस वीडियो में कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल बनता है कि आखिर एरिया 51 क्या है। तो एरिया 51 का असल नाम नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है, जहां पर मिलिट्री के वेपन्स टेस्ट होते हैं। तो इससे ये एरिया 51 नाम कैसे पड़ा? दरअसल वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर कई सारे एरिया बनाए गए, जैसे एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, लेकिन इन सभी में कोई एक्टिविटी नोटिस नहीं की गई। एक्टिविटी से मेरा मतलब है कोई सस्पेक्टेड एक्टिविटी नोटिस नहीं की गई, लेकिन सिर्फ एरिया 51 में ही ऐसा कुछ था जहां पर कुछ ऐसा नोटिस किया गया। क्योंकि एरिया 51 में लोग बोलते हैं कि वहाँ एलियन और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूँगा जो 1997 में रेडियो शो कोस्ट टू कोस्ट AM पर रिकॉर्ड की गई थी। उसमें दावा किया गया है कि जिस आदमी ने उस पर कॉल किया वो एरिया 51 में पहले काम करता था। तो दोस्तों, हम लोग पहले वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं। I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? I'm a former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. I don't know where to start. They'll triangulate on this position really, really soon. So you can't spend a lot of time on the phone, so give us something quick. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. दोस्तों, ये कॉल रिकॉर्डिंग से ठीक इसी समय डिसकनेक्ट हो जाती है। लेकिन आपने एक बात पर गौर किया, उस व्यक्ति ने एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग यानी कि एलियंस की बात की। तो इस बात में कितनी सच्चाई थी या ये बात या कॉल प्रैंक था या फिर क्या था, इस बात का हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से की गई रिसर्च पर थोड़ा ध्यान देते हैं और देखते हैं कुछ सबूतों के बारे में जो एरिया 51 से रिलेटेड है। दोस्तों, अगर आप एरिया 51 को देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एरिया के ऊपर से ड्रोन, हेलीकॉप्टर, प्लेन, यहाँ तक कि मिलिट्री प्लेन, सैटेलाइट भी उड़ाने अलाउड नहीं है। जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं ये कई किलोमीटर दूर पहाड़ों पर से विथ हाईटेक जूम कैमरा से ली गई है। कई लोग दावा करते हैं कि ये जो पिक्चर में दिखता है यह तो सिर्फ एक झलक है, पूरी पिक्चर तो अंडरग्राउंड यानी कि बेसमेंट में है। दोस्तों, क्या है सबके पीछे का सच? क्या सच में वहाँ एलियन से कुछ जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं? क्या वो जो कॉल आया था वो कोई प्रैंक नहीं? क्या वो असली कॉल था? दोस्तों, BBC की टीम एरिया 51 पर पहुंची वहाँ की एक फुटेज निकालने या फिर वहाँ का एक सच जानने।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या उन्हें वहां से जाने दिया गया होगा? जी नहीं, उन्हें पकड़ लिया गया और काफी तहकीकात के बाद ही छोड़ा गया। दोस्तों क्या है इस जगह का सच, क्या वहां सच में एलियन है या वहां एलियन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं होती हैं? दोस्तों उस आदमी का दावा था कि वहां एलियन के ऊपर स्टडीज की जाती हैं और जो यूएफओज होते हैं उन्हें फ्यूल कहां से मिलता है और एलियन रिलेटेड चीज़ें वहां पर डिस्कस की जाती है और वहां कुछ ऐसे राज हैं जो दुनिया से बेखबर हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या मुझे ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो लानी चाहिए? अपने कमेंट्स मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, और आप अगर इस टॉपिक पर ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं उन्हें जवाब देने का जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे patreon.com/piyushbhardwaj पर जाकर के सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो उन सभी के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अब आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।